नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे लौकी का कोफ्ता। उसके लिए लिए हैं लौकी आधा, कद्दूकस कर लिए, उसको पानी निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे अच्छे से। उसको बाउल में ले लिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे 3 चम्मच बेसन, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च लिए हैं 8-10 कूट करके, हरी मिर्च 2-3 काट करके बारीक, प्याज लिए हैं 2 बारीक काट करके, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसको हम मिक्स कर लेंगे और बॉल बना लेंगे। सारे हम बॉल बना लेंगे ऐसे। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे, गरम करेंगे, उसमें तल लेंगे बॉल को धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे। यह है देखिए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है तब। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे। लेंगे हरी मिर्च 2, प्याज कटे हुए 1, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और किचन किंग मसाला आधा चम्मच। पानी डालेंगे, इसको पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और लाल मिर्च 2, प्याज डालेंगे कटे हुए, अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर हम मसाला डालेंगे। मसाले को भी मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से, इसको ढक करके पकाएंगे। हमने पहले भी इसमें थोड़ा बड़ा वगैरह तले थे सुबह का नाश्ते में, अभी हम कोफ्ता बना ले रहे हैं। उसके बाद इसी में हम कढ़ाई में ही बना लिए, मसाले हमारे पक गए हैं अच्छे से। इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम पानी डाल देंगे 2 गिलास, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब हम बॉल को डाल देंगे इसमें, पानी हमारा पक गया है थोड़ा, फिर और पका लेंगे थोड़ा सा। इसमें डालेंगे कटे हुए हरा धनिया पत्ता। ये देखिए हमारे कोफ्ता तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे से गाढ़े हो गए हैं।